प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तय हुआ था कि आज हम लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा होंगे और उसके बाद जो भी बैठक होगी, जिस तरह से कबीर कला मंच के ऊपर जो महाराष्ट्र सरकार के अत्याचार चल रहे हैं शीतल साठे के ऊपर, सुधीर धवड़े के ऊपर और तमाम लोगों के ऊपर, उसके खिलाफ एक दिल्ली के बुद्धिजीवियों और लेखकों ने निश्चित रूप से, चित्रकारों ने, हमारे अशोक भौमिकदा उसमें भी नेतृत्वकारी भूमिका में थे, आज भी हैं, फिल्मकारों ने, तमाम लोगों ने, अभी अरविंद गौड़ जी भी थे, थिएटर के जाने माने हस्ती, वो भी इस धरने में और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। तो जिस तरह से कबीर कला मंच के सवाल पर मार्च किया गया था महाराष्ट्र सदन तक, वैसा ही इस सवाल पर बहुत ही जल्दी निर्णय लेकर संयुक्त रूप से हम लोग मार्च करेंगे उत्तर प्रदेश भवन तक, और उसकी एक तैयारी के रूप में ही आप आज के धरने को समझें। जैसा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि जब तक ये आरोप वापस नहीं लेते तब तक ये आंदोलन चलेगा। तो जितनी भी अभ्यक्ति के गले घोटे जा रहे हैं चारों तरफ, वो निश्चित रूप से व्यवस्था के बढ़े हुए संकट से पैदा हुए हैं। जो सत्ता, जो व्यवस्था जितनी अधिक अस्थिर, जितनी अधिक अंदर से डरी हुई होगी, वो उतनी ही अधिक हमलावर और आक्रामक होगी, असहिष्णु होगी उन सारी आवाजों के प्रति जो उसके बारे में थोड़ी सी भी बातें कहने के लिए कोशिश करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जेएनयू के प्रोफेसर सुबोध मलाकार भी यहाँ हैं, और धीरे धीरे आप देखिएगा कि इस पूरे सवाल को लेकर और इस सवाल के बहाने लोकतंत्र, आजादी और न्याय के मायनों को की पुनर्परिभाषा की जो जरूरत है पूरी की पूरी सिविल सोसाइटी में, उसमें नए से नए साथी हम लोग को मिलते रहेंगे, और मैं समझता हूं कि यह कारवां आगे बढ़ता रहेगा। मैं ये चाहता हूं कि थोड़ी देर तक हम लोग कमल भारती जी के समर्थन में और उत्तर प्रदेश सरकार के इस कायराना हरकत के विरोध में नारे लगाते हुए आगे बढ़े, और इसके साथ ही ये सभा खत्म होगी। इनकलाब जिंदाबाद, आइए चलते हैं।